फिर कहते हैं प्रहलाद, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। भागवत सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का 55वां श्लोक। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ यही है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति करे, उसी से उसका कल्याण होगा। भगवान के एक अवतार हुए हैं कपिल, उन्होंने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया है भागवत में, उसको भी सुन लीजिए। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम् निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितम् स्थिरम्। मनुष्यों का कल्याण केवल इसी एक उपाय से होता है कि वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मन को मुझ में स्थिर कर दें, यानी भगवान में लगा दें, और कोई दूसरा कल्याण का रास्ता नहीं। धर्मराज कह रहे हैं भागवत में, उनकी बात भी सुन लो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसो धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः। मनुष्यों का परम धर्म यही है कि भगवान के नाम गुण लीला आदि के संकीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा अपने मन को भगवान में केंद्रित कर दें, यानी भक्ति योग को अपनाना, बस यही मनुष्यों का परम धर्म है, क्योंकि कल्याण केवल इसी से होगा और किसी उपाय से नहीं होगा। तत्रोपाय सहस्राणा मयम् भगवतोदितः यदि ईश्वरे भगवति यथायै रंजसारतिः। भागवत, यद्यपि अनेकों मार्ग बताए गए हैं, अनेकों साधन सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उन हजारों लाखों करोड़ों अनंत साधनों में केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे जीव का कल्याण होगा, आत्यंतिक श्रेय होगा, ऐसा कल्याण जिसके ऊपर फिर अकल्याण न आने पाए। सदा के लिए माया निवृत्ति, सदा के लिए परमानंद प्राप्ति, ये केवल भक्ति से ही होगी। अरे और किसी साधन से तो अंतःकरण तक शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ही है, मैंने आपको इतने सारे कोटेशंस बताए, भगवान ने उद्धव से कहा अंतःकरण तक शुद्ध नहीं हो सकता बिना भक्ति के। तो केवल भक्ति से ही अंतःकरण शुद्धि से लेकर के और भगवान की सेवा जो अंतिम लक्ष्य है, इन सब की प्राप्ति होगी। और देखो भगवान कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि भाई हमको भगवान की सेवा नहीं चाहिए, हमको माया से छुटकारा नहीं चाहिए, हमको तो स्वर्ग चाहिए, तो फिर हम तो कर्म धर्म में जाएं, हमें मोक्ष चाहिए तो फिर हम तो ज्ञान मार्ग में जाएं, हमको नहीं चाहिए सगुण साकार का भगवान का दर्शन आदि, गोलोक आदि। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, यत् कर्म भिर् यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां एवं 33वां श्लोक। यानी कर्म का, ज्ञान का, योग का, तपश्चर्या का, जितने भी साधन हैं, इनका जो भी फल हो सकता है वो सब तुमको मेरी भक्ति से मिल जाएगा। अलग से तुम्हें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग चाहिए वो भी भक्ति दे देगी, मोक्ष चाहिए वो भी भक्ति दे देगी, जिस किसी भी साधन का जो भी फल है वो सब तुमको भक्ति से मिल जाएगा। कर्म योग आरु ज्ञान का
जो भी फल श्रुति गाय राधे राधे अनायास बिनु मांगे भगत सकल फल पाय राधे राधे। भक्ति शतक, भक्ति से कर्म ज्ञान योग आदि जितने साधन है सबका फल मिल जाएगा। एक भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, और दूसरी ओर अगर तुमने भक्ति को माइनस कर दिया तो बिना भक्ति के अगर किसी भी मार्ग में तुम जाते हो तो कर्म योग अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान राधे राधे। पै बिनु भक्ति सबे जनु मृतक देह बिनु प्राण राधे राधे। भक्ति शतक, कर्म मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, यही तीन प्रमुख है, और फिर बाकियों की क्या गिनती, और जो छोटे छोटे मार्ग हैं, इन्हीं तीन के बारे में शास्त्र कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो फिर ये जितने भी साधन हैं ये उसी प्रकार हैं जैसे प्राण रहित शव, उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार देखिए भागवत में हजारों जगह भक्ति का निरूपण करते हुए बताया गया है कि केवल भक्ति से ही हमारा साध्य मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब गीता में आइए, पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। आठवें अध्याय का 22वां श्लोक, केवल भक्ति से ही उस परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होगी और कोई उपाय नहीं है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अर्जुन चाहे मुझको देखना हो, चाहे मुझ में लीन होना हो, चाहे मुझे जानना हो, तीनों के लिए एक उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, केवल अनन्य भक्ति से जो निरंतर मेरा स्मरण करता है ऐसे उस अनन्य भक्त का मैं योगक्षेम वहन करता हूं, मेरी कृपा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगी। फिर कहते हैं भगवान, अनन्य चेताः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है प्लस निरंतर करता है मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं, बड़ी आसानी से उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक, जो सब कर्मों को छोड़ करके मेरी भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, बस मैं उनका इस भवसागर से उद्धार कर देता हूं। जैसे भागवत में कहा ना भगवान ने, मर्त्यो यदा
त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। जब समस्त कर्मों को छोड़ करके कोई मेरी भक्ति करता है तो फिर वो अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, अनंत काल के लिए माया से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और परमानंद आदि प्राप्त कर लेता है, मेरे समान बन जाता है। वही बात गीता में कह रहे हैं भगवान कि जो जब सब कर्मों को छोड़ करके कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं भवसागर से उसका उद्धार कर देता हूं, यानी भक्ति से ही कल्याण होगा। इसीलिए गीता के एंड में अर्जुन से भगवान ने कहा कि सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। सबसे अधिक प्राइवेट बात अब तू सुन, इसके आगे फिर मैं और कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। क्या थी वो सबसे अधिक प्राइवेट बात? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी ना माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। और ये बात भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी बोल चुके हैं और अब इसको सबसे प्राइवेट बात के रूप में अर्जुन को दोबारा बता रहे हैं। अर्जुन तू अपना मन मुझ में लगा दे, मेरी भक्ति कर, बस फिर तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी तुझे। तो देखो गीता के अनुसार भी भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी यही कहते हैं, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। मैं तीन बार चैलेंज पूर्वक कहता हूं, भक्ति से ही कल्याण होगा, भक्ति से ही कल्याण होगा। एव तस्मात सैव ग्राह्या मुमुक्षुभे, नारद भक्ति सूत्र। इसीलिए जो माया से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हो, उसको भक्ति को ही अपनाना चाहिए, और किसी उपाय से कल्याण नहीं हो सकता। अब आइए रामायण में, शिव अज शुक सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद सब कर मत खग नायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। समस्त महापुरुषों का, बड़े बड़े तत्वज्ञानी जो हुए हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा हैं, सुखदेव परमहंस हैं, नारद आदि हैं, बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए, सबका सर्वसम्मत मत यही है कि करिय राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरण कमलों से प्रेम करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे हैं मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं पार्वती कि बस श्री कृष्ण भक्ति ही सार है, सत्य वस्तु है, बाकी सब स्वप्न है, मिथ्या है। केवल भक्ति एकमात्र मार्ग है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। समस्त साधनों का फल श्री कृष्ण भक्ति। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान
दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल? तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान के चरणों में प्रेम हो बस यही सब साधनों का निचोड़ है। अगर ये नहीं होता तो सारे साधन व्यर्थ है, परिश्रम है। जो श्रम फरनी फरोसो, तुलसीदास जी कहते हैं परिश्रम का फल परिश्रम। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। कोई भी हो तरई ना, भवसागर से पार नहीं जा सकता। तरई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। किसी का काम नहीं चलेगा बिना भक्ति के, क्योंकि राम ही केवल केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी लेहू जो जानन हारा। केवल प्रेम पसंद है भगवान को, उनको रिझाने के लिए और कोई चीज सफल नहीं हो सकती। इसीलिए मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। करोड़ों साधन करो भगवान नहीं मिलेंगे जब तक प्रेम नहीं होगा तुम्हारे पास, तो केवल प्रेम से मिलते हैं। इसीलिए स्वार्थ साचु जीव कहूं एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। यही मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ है, मन से वाणी से कर्म से हर प्रकार से रोम रोम से प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की भक्ति करे, उनसे प्यार करे। अगर ये नहीं करता कोई तो